और दूसरी बात कि ये जो पाइप पड़ी है ये वेस्ट है, ये समझ लो ये पलंग वेस्ट है, और ये पलंग में से हम इसमें से पलंग बनाने वाले हैं, ये वेस्ट पाइप में से और ये जालियों में से। ये आपने देखा होगा वीडियो में जो झनकार बैंड वाले हमारे, तो उन्होंने बोला था ये पाइप में से जो मेरे पास पड़ी है उसके अंदर से हमारे को बना दो। तो चलो ये बनाते हैं आज। हमने तो इसकी फ्रेम बनाई है, ठीक है, इसकी फ्रेम बनाई है। अब इसके अंदर लगाएंगे लेग पाए, जो पाए बोलते हैं वो लगाएंगे। तो चलो लगाते। पलंग के बीच में जो यहाँ पर जो दो पीस है, वन पीस में इतनी बड़ी प्लाई आती नहीं है, तो टू पीस में आएगी। तो इसका जो बीच का ये जैसे 72 है शेप, तो 72 का जो हम आधा करेंगे तो इसके बीच में एक पाइप सपोर्ट लगाएंगे, तो उसके बीच में प्लाई जो इससे में आ जाएगी प्लाई। फिर यहाँ पर हम लोग लगाने वाले डिजाइन जो फोल्डिंग उसके लोग बताते हैं। और इसको फोल्डिंग बनाएंगे, तो घर के गेट के अंदर खाली 2 फुट का अंतर है, मतलब डिस्टेंस है 2 फुट का। 2 फुट में से अगर ये हम बना देंगे तो पूरा नहीं आएगा, इसलिए हमें काट के इसको फोल्डिंग बनाएंगे। ये जो है ये वेस्ट है, समझ लो ये वेस्ट में से ला के दिया है। तो अभी इधर है ना बोल्ट, देखो ऐसा, ये इस तरह बोल्ट यहाँ पे बोल्टिंग हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग इसको बोल्टिंग कर देंगे मार के कि एकदम खुल जाए। तो चलो बोल्ट लेके आते हैं। इतने लंबे बोल्ट दो, देखो एक चार चार चाहिए और डबल वाइसा दे देना इसके, चार चार बोल्ट आ गए और वाइसर बस। तो हमने कुछ इस तरह की पट्टी वेल्डिंग कर दी है और ये होल यहाँ ड्रिल से होल पाड़ेंगे, तो बोल्ट जाएगा डायरेक्ट नीचे, तो यहाँ पर टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा देखो लेवल में, बराबर लेवल में, एकदम लेवल में खड़ा है, ठीक है। चलो उधर साइड लगा, कुछ इस तरह इसके अंदर होल पाड़ना है, इधर भी होल पाड़ देते हैं। तो चलो होल पाड़ते हैं इधर।
दूसरा वाला हम देखो कट कर रहे हैं, उससे 2-3 इंच बड़ा है हमने जो मापा, ये 3 इंच बड़ा है, वो है पैर तरफ का और ये है सर तरफ का। तो देखो इसकी डिज़ाइन में और उसकी डिज़ाइन सेम है, बाकी ये जो डिस्टेंस है उसका माप अलग है। तो देखो इसको हम कट कर रहे हैं, फिर यहाँ पट्टी लगाएंगे और इसको भी सेम फिटिंग करेंगे इधर। तो चलो इसमें ऐसा आया है कि बीच में जो बीच के देखो दिख रहा है, बीच में दो सपोर्ट मारने हैं, बीच में दो सपोर्ट मारेंगे। तो बुरा इसको खोल डाल चल, तो बीच में दो सपोर्ट मारते हैं तो ये बीच में से झुकेगा नहीं। चल तो इस तरह के कुछ लट्टू उसके ऊपर लगेंगे जो हमने जो बनाया है, तो इसके ऊपर लट्टू लगेंगे यहाँ पर, और ये जो डिज़ाइन है तो डिज़ाइन लगेगा यहाँ पर, तो कोई लगने वाला अच्छा लगने वाला है। ठीक है, यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, मतलब सब जगह लगने वाले हैं। तो चलो लगाते, तो कुछ इस तरह से हमने ये डिज़ाइन लगाई है, यहाँ वहाँ वहाँ सब जगह लगाएंगे तब तक लगा के। एंड देखो इस तरह चारों तरफ हमने ऐसे लगा दिए, देखो कैसा लग रहा है ये भी, और यहाँ भी पन, यहाँ भी हमने देखो ऐसा लगाया, कैसा लग रहा है इधर भी। तो हमने टोटल इसकी 12 साइड है, मतलब 12 जगह है, 12 जगहों पे हमने ये लगाया है। और जो प्लाई आएगी तो देखो हाथ पे भी किसी बच्चे को ना लग जाए, देखो मेरा हाथ कितनी जोर से घुमा रहा हूँ। तो ये देखो अच्छा है, तो लगे नहीं इधर भी देखो, और अभी हम लगा रहे हैं इसके अंदर, ये देखो लट्टू हमने उसके अंदर लगे हुए नहीं है, देखो इसके अंदर नहीं लगे हुए। तो अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं लट्टू, ये इसको वेल्ड करेंगे, ये होल गैप पूरेंगे, फिर इसको फिटिंग करके फिर कलर कर देंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको हम बताएं। तो फाइनली देखो हमारा पलंग तैयार हो चुका है। तो ये पलंग देखो, अब इसके अंदर खाली ओनली प्लाई एंड कलर होगा इसको। भाई अकेले अकेले खा लो यार, ऐसी गलत बात है यार अकेले अकेले खाने का। भाई कैसा लग रहा है पलंग? बना देंगे भाई। तो हमने देखो इसकी बोल्टिंग आपको बताया था कि नहीं, आप बोल्टिंग करा देखो, ये लगेगा नहीं। ये जो हमारा सर होता है उधर का भाग है, और ये हमारे पैर है उधर का। तो इन दोनों का डिस्टेंस देख लो, दोनों का देखो कितना ऊंचा है और ये कितना नीचा है। तो कमेंट में बताना अगर कैसा लग रहा है। देखो हमारा एक कलर भी हो चुका है और प्लाई भी फिट हो चुकी है। देखो प्लाई हमने देखो डायरेक्ट स्क्रू बोल्ट आते ना, वो स्क्रू बोल्ट डायरेक्ट मार दिए। देखो इधर 3, इधर 3 और इधर 3, तो ये पूरा कंप्लीट देखो कलर हो के एकदम कंप्लीट जोरदार दिख रहा है, एक नंबर। तो देखो कैसा दिख रहा है कलर के साथ। ये सिंगल भी लगा सकते हैं, और इसको लगाना हो तो लगा सकते हैं, जैसे कभी उतर ना हो, ये दीवार की तरफ आ जाएगा और वो दीवार की तरफ लग जाएगा। तो देखो कभी इसके ऊपर डबल बॉर्डर आएगी तो हमने ऐसे गैप क्यों रखी है इधर सब साइड, क्योंकि ये हमने बनाया है 50 इंच का और 48 इंच आता है, 48 इंच की कभी कहीं भी ये 48 इंच की आती है। तो हम अगर दो पीस में लगाते हैं तो दो पीस में मज़ा नहीं आती। तो ये बॉर्डर हमारी जो है यहाँ पे जो गदला है उसकी बॉर्डर हमारी 4-5 इंच की बॉर्डर आएगी, तो वो 4-5 इंच की बॉर्डर पूरी घूमेगी, तो ये दिखने वाला नहीं है उसके अंदर। तो कमेंट में बताना तो आपको कैसी लगा ये हमारा जो पलंग बनाया हमने वेस्ट से, वेस्ट एकदम वेस्ट होता है उससे हमने ये पलंग बनाया, तो आपको कैसा लगता है तो आप बताना। ठीक है, और सब लाइक भी करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और तब तक के लिए बाय बाय।